हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेंटल स्केलिंग के बारे में कि आखिर डेंटल स्केलिंग क्या है। आपके मसूड़ों पे या दांतों पे जितनी भी परत जमी हुई होती है या फिर कुछ भी काले धब्बे हैं या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आपके थोड़े पीले हैं दांत या फिर आप जो भी खाना खा रहे हैं वो आपके दांतों में चिपका रहता है, तो मशीन के द्वारा सफाई, दांतों की सफाई करना या फिर उस परत को हटाने की ही प्रोसेस को हम लोग स्केलिंग कहते हैं। स्केलिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर की हेल्प से आपकी स्केलिंग क्लिनिक्स में की जाती है। तो आइए हम ये जानते हैं कि डेंटल स्केलिंग आखिर आपके लिए ज़रूरी क्यों है। यह डेंटल स्केलिंग आपके लिए ज़रूरी इसलिए है कि आप जो भी प्रॉब्लम आपकी गम डिजीजेज की जितनी भी प्रॉब्लम है या मसूड़ों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपकी, डेंटल स्केलिंग कराने से आपको ये प्रॉब्लम आगे जाके कभी भी फेस नहीं करनी पड़ती है। डेंटल स्केलिंग से आप जिंजिवाइटिस, पेराडोंटाइटिस या पायरिया जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। यदि आपके मुंह में बदबू आती है तो इसमें भी आपको डेंटल स्केलर बहुत हेल्प करती है। अगर डेंटल स्केलिंग अगर आप करवाते हैं तो उसकी वजह से आपके दांतों में गैप आया हुआ है, जो गंदगी आपकी चिपकी हुई है उसके दांतों से गैप आया हुआ है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स से आप आराम से छुटकारा पा सकते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि डेंटल स्केलिंग आखिर आपको करवानी ज़रूरी क्यों है। कई लोगों का सवाल ये होता है कि हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है और कुछ चिपका हुआ भी नहीं है, कोई लेयरिंग भी नहीं बनी हुई है, हम उसके बाद भी अपने दांतों में स्केलिंग क्यों करवाएं, हम बार बार जाके अपनी स्केलिंग करवाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जैसे कि नॉर्मल डेज में अगर आप रेगुलर ब्रशिंग भी कर रहे हैं तो आप ब्रश अपने मुँह के हर कोने में नहीं पहुँचा पाते। यदि आप जैसे ब्रश कर रहे हैं और कोई कोना आपका छूट गया है तो वहाँ पर आपकी गंदगी या फिर आपकी वहाँ पर लेयर बन जाती है, जैसे आप देख नहीं पाते या शीशे में आप देख नहीं पा रहे हैं बट आपके मुंह में वो गंदगी है और आगे जाके आपको वो तकलीफ़ देती है। तो डेंटल स्केलर आपके मुंह के हर कोनों से वो सफाई करता है और आपको आगे आने वाली प्रॉब्लम से बचाता है। तो जहाँ आपका ब्रश नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पर भी डेंटल स्केलर आपके दांतों की बहुत अच्छे से सफाई कर देता है, इसीलिए आपके लिए डेंटल स्केलिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके दांत ठीक भी हैं या नॉर्मल भी हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो भी आप डेंटिस्ट के पास साल में दो बार जाके स्केलिंग करवाएं। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि डेंटल स्केलिंग आखिर होती कैसे है या अल्ट्रासोनिक की हेल्प से हम लोग आपके दांतों की सफाई कैसे करते हैं। तो आइए इसी को जानने के लिए हम एक छोटा जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा, जो हम अल्ट्रासोनिक स्केलर है उसकी टिप को हम आपके दांतों के पास में लाते हैं, जिसकी वजह से अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस होती हैं और आपके दांतों पे चिपकी हुई परत है या फिर कोई भी कैलकुलस है वो टूट टूट के अपने आप गिरता रहता है। इस जैसे ही आपके दांतों से कैलकुलस हटता है हल्की ब्लीडिंग आपको हो सकती है, कई लोगों को ब्लीडिंग नहीं भी होती है, ये ब्लीडिंग अपने आप थोड़े टाइम के बाद में रुक जाती है। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद में ये ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है और आपके जो मसूड़े हैं जिनमें सूजन आई हुई है या फिर जो नीचे खिसके हुए हैं या थोड़े उनकी वजह से दांत हिल रहे हैं, स्केलिंग करने के बाद आपके वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। तो इसीलिए आपको स्केलिंग के करवानी चाहिए। तो आइए हम ये जानते हैं कि कितनी सिटिंग्स में आपके दांत साफ़ हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और क्या प्रॉब्लम है। यदि नॉर्मल आप रूटीन चेकअप हमेशा कराते रहते हैं और रूटीन आप क्लीनिंग करवाते रहते हैं तो उसके लिए सिर्फ आपको एक ही बार डॉक्टर के पास आना पड़ता है, जिसमें आपको 15 से 20 मिनट लगती हैं। यदि आपको पायरिया जैसी प्रॉब्लम है या गुटके के आपके स्टेन्स हैं या किसी भी चीज़ के स्टेन्स हैं तो उसकी क्लीनिंग के लिए आपको एक से दो सिटिंग लग सकती हैं, या अगर आपको सीवियर पेरिडोंटाइटिस है तो आपको दो से तीन सिटिंग भी लग सकती हैं। तो आइए हम ये जानते हैं कि ये जो स्केलिंग जो प्रोसेस है वो कैसे बेनिफिशियल है, कॉस्ट इफेक्टिव भी कैसे है। यदि आप स्केलिंग करवाते रहते हैं या रेगुलर स्केलिंग करवाते रहते हैं जिसका कॉस्टिंग सिर्फ 1000 से 1500 तक आता है, यदि आप स्केलिंग को अवॉइड करते हैं, स्केलिंग नहीं करवाते हैं और कैलकुलस या फिर कुछ भी गंदगी आपके मुँह में रखते हैं, तो ये आगे जाके बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं और आपका खर्चा बढ़ता है।
यदि आप स्केलिंग करवाते रहते हैं तो आगे जाके आपको जो प्रॉब्लम्स होने वाली हैं या आपका जो खर्चा बढ़ने वाला है, आप उसको बहुत मिनिमल खर्चे में ही आपके दांतों को हेल्दी रख सकते हैं, आपके गम्स को हेल्दी रख सकते हैं। स्केलिंग ज़्यादातर आपके गम्स के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलिंग से आप अपने मसूड़ों को और दांतों को ठीक रख सकते हैं, आपकी जितनी भी बैड ब्रेथ है या फिर मुंह से जितनी भी बदबू आती है आप उसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।